हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिनके भी पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, वो चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूँ वीडियो, जिनमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसके यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि या तो पहले प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आ जाएं। तो यूनिट वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 की सेपरेट वीडियोस आएंगी, 5 वीडियोस, पांचों वीडियो में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन वीडियोस में मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कुछ टाइम के बाद मैं आपको उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और इम्पोर्टेंट कंटेंट्स के लिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट, उसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि या तो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाए। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है उसे डिफाइन करना है, और मैनेजमेंट और एम्प्लॉई के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो बतानी है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द एमबीओ अप्रोच ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। जो एमबीओ अप्रोच है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये जो अप्रोच है परफॉर्मेंस अप्रेजल की वो क्या है ये बतानी है और इसकी क्या लिमिटेशंस है। नेक्स्ट है, व्हाट इज पोटेंशियल अप्रेजल, ब्रीफली डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है और इसका क्या मैकेनिज्म होता है वो बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय काउंसलिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। काउंसलिंग क्या होता है और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में इसकी क्या जरूरत होती है ये बताना है आपको। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ एम्प्लॉई काउंसलिंग इन मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉई काउंसलिंग के कौन कौन से मेथड यूज करे जाते हैं ये बताना है फिफ्थ क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफर एंड प्रमोशन, ट्रांसफर एंड प्रमोशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो डिफरेंस बताना है आपको। ऑल्सो स्टेट देयर बेनिफिट, और इनके क्या बेनिफिट होते हैं वो भी बताने हैं। सेवन्थ है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, बेस कंपनसेशन और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या होती है ये बताना है डिफरेंस इनके बीच का। नेक्स्ट है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कंपनसेशन, व्हाट फैक्टर अफेक्ट कंपनसेशन ऑफ एन एम्प्लॉई इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कंपनसेशन क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपनसेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रिंज बेनिफिट्स, व्हाट टाइप ऑफ फ्रिंज बेनिफिट अ कंपनी कैन प्रोवाइड टू इट्स एम्प्लॉई। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है और एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कौन कौन से तरीके के फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय ई शॉप्स, व्हाट आर फीचर्स एंड मेरिट्स। ई शॉप्स क्या होता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या इसके मेरिट्स होते हैं ये बताना है। तो ये आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी पूरी यूनिट को कवर करते हैं। इसके अलावा इस यूनिट में और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।